केंद्रीय विश्वविद्यालय से डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर रितु सिंह सहित कई अनुभवी प्रोफेसरों को हटाने को लेकर रायबरेली में भी अखिल भारतीय वीरा पासे सेना रायबरेली के राष्ट्रीय अध्यक्ष देशराज पासे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया है। देशराज पासे ने कहा कि बहुजन समाज के शिक्षक होने के कारण डॉक्टर रितु सिंह व डॉक्टर लक्ष्मण को पद से निकाल दिया गया है। अगर जनवरी तक दोबारा नौकरी पर नहीं रखा गया तो पूरे देश में प्रदर्शन होगा, भारत बंद किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मोदी और योगी सरकार की होगी। मैं देशराज पासी हूं, अखिल भारतीय वीरा पासी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और देशराज पासी समाज का जिला अध्यक्ष हूं रायबरेली का। और आज अपने नेतृत्व में पूरा रायबरेली का बहुजन समाज आज 4 महीने से जो है डॉक्टर रितु सिंह एक गेट पे प्रोफेसर होने के बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया गया। एक महिला क्रांतिकारी और रो बैठी हुई है और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को 15 साल हो गए सर्विस में, लेकिन तब उनको जांच नहीं दिखाई दिया कि ये उस लायक नहीं है पढ़ाने लायक। इतना अच्छा टीचर प्रोफेसर होने के बावजूद भी 15 साल बाद अगर बहुजन मूवमेंट की कोई आवाज़ उठाता है तो ये उत्तर प्रदेश और ये केंद्र सरकार या तो मुकदमा लिखती है या तो नौकरी से निकालती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार और योगी सरकार को अगर हम लोगों के बहुजन समाज के ऊपर अगर अत्याचार करने की कोशिश करेगा तो 2024 में हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और दूसरी बात है, अगर उनको अल्टीमेटम देता हूँ, अगर जनवरी तक डॉक्टर रितु सिंह को और डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी पे दोबारा नहीं रखा गया तो पूरा भारत बंद होगा। वो जिम्मेदारी उसकी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की होगी। क्या मांगे हैं? मांगे मेरी है कि बहुजन समाज के ऊपर जो भी चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो जिले लेवल में हो, चाहे किसी संगठन से पदाधिकारी हो, तो ये सरकार हम लोगों को जीने नहीं दे रही है। कहीं किसी फर्जी मुकदमे में लिखाती है, कहीं गाली में लिखाती है, कहीं किसी और मुकदमे में लिखाती है। और लक्ष्मण यादव जो है एक क्रांतिकारी थे, बहुजन मूवमेंट में काम करते थे, इसलिए उनको आज सर्विस से निकाला गया। बड़ी शर्म की बात है केंद्र सरकार के लिए कि इतना पढ़ा लिखा, इतना होनहार जो है प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह हो चाहे लक्ष्मण यादव हैं, आज वो दो लोगों के ऊपर बात है। अगर हम लोग बहुजन समाज के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाला समय सब लोगों के लिए घातक होगा। इसलिए आज हम लोग छोटा प्रदर्शन के माध्यम से माननीय यहाँ के जिलाधिकारी जो है महोदया जी उनके माध्यम से माननीय जो है राष्ट्रपति जी को मैं जो महोदया जी को भेजना चाहता हूँ कि उनको बहाल किया जाए, और नहीं तो ये 15 दिन के बाद में पूरा भारत बंद होगा। उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।